नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जा रहा हूं और प्रिंट से रिलेटेड जितने भी है सेटअप, प्रिंट सेटअप की डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ, काफी डिटेल्स में कि कैसे सेटअप करते हैं, क्या करते हैं। तो मेरे पास डेटा रेडी है, डेटा ये रहा। प्रिंट के लिए नॉर्मली दबाते हैं कंट्रोल पी दबाते ही आपके पास देखिए ऊपर टॉप साइड में ये ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ से पेज आप अप डाउन करके ज़्यादा कम कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ से प्रिंट का ये सेलेक्ट करने के लिए कि आपको क्या करना है, प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए फैक्स करना है, जो भी है यहाँ से ऑप्शन चले गए प्रिंट। और उसके नीचे आता है सेटिंग्स, आती है कुछ सेटिंग्स, ध्यान से देखने वाली चीज़ है। सेटिंग्स के अंदर आप देखिए, इसके अंदर जो एंटायर वर्कबुक और एक्टिव शीट प्रिंट सेलेक्शन एरिया, ये तीन ऑप्शन दिखाते हैं। तीन एंटायर बुक में अंदर आपको, अगर सपोज अभी आप देखें एंटायर प्रिंट, एंटायर बुक के अंदर आप अगर सीट एक दो तीन, अगर तीन चार सीट जितनी भी सीट है ना, सारे सीट का डाटा लेगा ये। मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। अब देखिए इसमें 240 पेज आ रहा है, आप नीचे गौर से देखिए 1/240। अगर यही मैं सेलेक्ट करता हूँ एक्टिव सीट, मतलब वो पर्टिकुलर सीट के ऊपर जो डाटा है वो प्रिंट करेगा, तो 45 पेज में। अभी भी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये डाटा है, एक पेज पे नहीं आ रहा इसलिए 45 दिखा रहा है, और बाकी और भी सीट पे मेरे डाटा है, तो वो सारे को कैलकुलेट करके उसका पेज ज़्यादा बढ़ा रहा था। फिर से मैं वहीं पे जाता हूँ कंट्रोल पी करके, तो यहाँ पे था मैं, आपको ज़्यादा एंटायर बुक, अब देखिए पेज अपने आप बढ़ गया 240। प्रिंट एक्टिव सीट मीन्स वो सिर्फ प्रिंट एरिया आएगा जो पेज आप ओपन कर रखें। तीसरा ऑप्शन आता है प्रिंट सेलेक्शन। प्रिंट सेलेक्शन में सपोज कीजिए मैं इतना एरिया यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये इतना एरिया, और मैं कंट्रोल पी करता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ प्रिंट सेलेक्शन, तो अब देखिए वही डेटा दिखाएगा जो मैं सेलेक्ट कर रखा हूँ। तो ये तीनों आपको क्लियर हो गया होगा, ये तीनों ऑप्शन बहुत यूज किए हैं। नेक्स्ट आता है ये कोलेटेड। कोलेटेड में ये देखिए ये नॉर्मल 1-2-3 निकलता है, अगर अनकोलेटेड करेंगे तो 1-1-1 करके निकलेगा, फिर 2-2-2 करके निकलेगा, फिर 3-3 करके निकलेगा, ये इसका है। नेक्स्ट आता है मोड, दो मोड आते हैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड। लैंडस्केप करते ही आप देखिए ये डेटा इस तरीके से फैल जाएगा, पोर्ट्रेट करते ही आपको जिस तरीके से कन्वीनियंट हो, आपको डाटा अगर थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है तो आप लैंडस्केप यूज कर सकते हैं, लंबाई में है तो पोर्ट्रेट मोड यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग डाटा आप यूज कर सकते हैं। मैं पहले सिलेक्शन यहाँ से हटा देता हूँ, फिर से वहीं पर जाता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर पेज हो गए, पेजेस है अलग अलग, अब देखिए A4 साइज आप पेज अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, A3 और बड़ा हो गया, अब देखिए इस पर डाटा और ज़्यादा आ गया A3। इस तरीके से आप अगर प्रिंटर, अगर आपको प्रिंट का काम करते तो उसमें अलग अलग साइज होते हैं, A5 हो गया और छोटा हो गया, इस तरीके से आप A4, नॉर्मल हमारा A4 होता है, तो जिस मर्जी पेज का साइज सेलेक्ट करके आप प्रिंट दे सकते हो। उसके बाद ये ऑप्शन आते हैं नीचे का वाइड रेंज नॉर्मल, ये देखिए इसका ये मार्जिन के लिए, साइड में मार्जिन देखिए अपने आप नैरो मार्जिन, ये देखिए मार्जिन यहाँ साइड में ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर दिया नैरो मार्जिन। इसके नॉर्मल रखेंगे तो नॉर्मल आपका ही ऐसे होगा, उसके बाद वाइड रखेंगे तो और थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा आ जाएगा इस तरीके, और ये स्टार है तो ये सेंटर में कर देगा, इस तरीके से ये वर्क करता है। ये सारे ऑप्शन हो गए नैरो। अब उसके बाद है स्केलिंग। स्केलिंग में ये देखिए नॉइस स्केलिंग है, नॉइस स्केलिंग में ऑटोमेटिक जो A4 सीट पे आएगा और बाकी सारे ऑटोमेटिक वो दूसरी सीट पे भेज देगा। ये नॉइस स्केलिंग में ये फिट टू वन पेज करते ही आप देखिए ये जितने भी पूरे पेज का डाटा था सारा एक पेज पे कर दिया ऑटोमेटिक ही, तो फिट टू वन पेज पे आप देखिए कई बार डाटा होता थोड़ा सा ज़्यादा भागता है तो आपको फिट टू वन पेज करके एडजस्ट करते हैं, बट ये डाटा काफ़ी छोटा हो गया तो इसको फिट टू वन पेज नहीं किया जा सकता, बट ये फिट टू वन पेज कई बार काम आता है, नॉलेज के लिए आप सीख सकते हैं फिट टू वन पेज। दूसरा आता है फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। अब देखिए ऐसे क्लिक करते ही आपका कॉलम जितने भी रहेंगे ना वो साइडों से अपने आप एक पेज पे आ जाएंगे, बट लंबाई में वो नीचे दूसरी पेज पे ले लेगा। ये देखिए ये है ना, ये साइडों से
आप यहाँ से देखिए लास्ट में, अगर मैं एक्सेल शीट में ले जाके दिखाऊं बैक करके, तो देखिए ये डाटा पूरा जितना था ये यहाँ तक एक पेज पे ले लिया, देखिए एक पेज पे डाटा आ गया। और इसी तरीके से इसका उल्टा है, आप इसमें रो जितने नीचे रो होंगे वो एक पेज पे लेगा, बाकी सारे वो एडजस्ट कर देगा ऑटोमेटिक। अगर सेकंड पेज पे जाएगा तो ऑटोमेटिक सेकंड पेज पे ले जाएगा, इस तरीके से है। मैं नॉर्मल कर देता हूँ इसको, ये चारों मोड होता है यूज। अब इसके बाद आता है अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको मैनुअल मार्जिन कैसे सेट करते हैं। सपोज ये एरिया मुझे प्रिंट करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल पी दबाया, आप इसको मैंने नॉर्मल कर दिया है, यहाँ से नॉइस स्केलिंग कर दिया। आप देखिए प्रिंट सिलेक्शन एरिया चाहिए तो मैं सेलेक्ट कर लिया, मुझे नॉर्मल सेट करना है मार्जिन तो यहाँ देखिए इस पर क्लिक करूँगा राइट में सो मार्जिन पे, सो मार्जिन के लिए ये देखिए ऑटोमेटिक आप यहाँ पे लाइनें शो करता है, इसको पकड़ के ट्रैक करना है मुझे, देखिए ऐसे मार्जिन अपने आप ये देखिए अपने आप आ गया। ये इस तरीके से आप मैनुअल मार्जिन भी यूज कर सकते हैं, तो ये मैनुअल मार्जिन अपने अकॉर्डिंग सेट करके कर सकते हैं आप इसको। तो ये था हमारा सीट, अब मैं दिखाता हूँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो थे शॉर्टकट्स, और लॉन्ग कट भी बताने जा रहा हूँ कि इसको अगर ऊपर के टैब्स के द्वारा हमें हैंडल करना हो तो कैसे करेंगे। आप देखिए टैब्स ये रहे, पेज लेआउट में जाएंगे, पहला है सो मार्जिन, सेम वही है, आप अलग अलग नॉर्मल कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से सेटिंग हो जाएगी। लेआउट सेम उसी तरह, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, पेज साइज यहाँ से भी चूज कर सकते हैं आप, पेज ब्रेकअप और प्रिंट एरिया, थोड़ी समझने वाली चीज है इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। पेज ब्रेकअप पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रिंट सिलेक्शन एरिया, सपोज मैं ऐसे देख रहा हूँ डाटा, मुझे यहाँ का प्रिंट चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये सपोज ये ले लिया मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, प्रिंट सिलेक्शन एरिया में सेट प्रिंट एरिया, सॉरी पहले इसमें जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे, सेट प्रिंट एरिया ये सेट हो गया। इसको चेक करना है तो हमें कंट्रोल पी दबाना है, आप देखिए वही डेटा आ रहा है जो हमने सेलेक्ट कर रखा था, ये देखिए नवंबर 160 डिजाइनर, ये देखिए ये आ रहा है 160 डिजाइनर, ये इस तरीके से आप यहाँ से भी फिट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है पेज ब्रेकअप, पेज ब्रेक्स की, इमेज आ गया, ये देखिए इमेज आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रिंट टाइटल्स, ये काफ़ी अच्छा है, प्रिंट टाइटल्स का यूज होता है, जैसे सपोज आपके पास 10 पेज का डाटा है
बट 1000 पेज पे ही ऊपर वाली हेडिंग आप ना डायरेक्ट प्रिंटर देंगे तो नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या है कि मुझे प्रिंट टाइटल्स ऐड करना होगा। प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करके आप देखिए यहाँ पे टाइटल्स में ना टॉप साइड यहाँ देखिए रॉ टू रिपीट एट टॉप, आप इस पर क्लिक करके एरिया दे दीजिए इनको कौन सा सिलेक्ट करना है। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया कि ये मेरे को चाहिए रिपीट। अब इसको ओके करूँगा, तो इसको चेक करने का तरीका है कंट्रोल पी दबाइए, आप देखिए नेक्स्ट पेज करेंगे तो उसके ऊपर टॉप वाला हट नहीं रहा और टॉप रिपीट होगा, हर पेज पे वो चीज़ रिपीट होगी। तो ये इसका बेनिफिट है, क्योंकि कई बार होता है आप 10 पेज का डाटा प्रिंट करते हैं ऊपर का हेडर एक ही पेज पे आता है बाकियों पे हेडर नहीं आता। तो इस तरीके से वो आपको काफ़ी सारी जो कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो गई होगी प्रिंट और पेज सेटअप से रिलेटेड। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।